वतन ये वतन वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। इस चमन के फूलों पर हज़रात, एक जरूरी ऐलान सुन गिनो। पोलियो टीम तुहाडी करीबी मस्जिद के अंदर मौजूद है। अपने ही दिन तू 5 साल के बालों को कतरे जरूर पिलवाओ। इस जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े बाप मरकज है। नज़्म-ओ-ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानूं, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानूं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं दरिया सिंध में, दरिया सिंध के सेंटर में मौजूद हैं, और हमारे दोनों तरफ इस वक्त दरिया बह रहा है, और हम कश्ती पे सवार होकर यहाँ आए हैं पोलियो टीम के साथ उनको कवरेज देने। तो यहाँ पे हमारे साथ एक हमें दादा मिले हैं, अंकल मिले हैं, और उनके तकरीबन कोई 20 से 25 तक उनके मतलब जो पोते और जो उनकी उसकी अपनी औलाद थी, वो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने उनको कतरे पिलवाए, और उनसे हम पूछेंगे। उन्होंने ज़िंदगी का एक काफ़ी अरसा यहाँ पे गुजारा है, उनसे इस इलाके के खदोखार और इस इलाके के बारे में मालूम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पे तुम्हारा? फियाज अली। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 50 साल। 50 साल। कितने बेटे बेटे? 2। ये सारे जड़े पोतरे हैं? पोतरे भतरीजे थे, बस सारे हैं। अच्छा जी। हाँ सही। पोलियो टीम इतना कतरे पिलावन आँदी है, किस तरह का काम करें दी थोड़े का? जी ठीक करें दी भी है। मतलब हर महीने आने पिलाओ? जी हर महीने। सही है, कोई मसला मसाइल था? नहीं, यही टाइम तो कोई मसला मसाइल कोई नहीं। अगगा बात जो जान दे रब जान दे। सही जी। हाँ तो इतना कुछ बंदे हैं पोलियो टीम पिलावन ना, मतलब अगो गाने करें इनके थोड़े पोलियो के जहर है भी बाला नुकसान रहसी, थोड़ा इस बारे क्या आखना है? नहीं, सारे बच्चे ठीक हैं, हर बंदा ठीक है, कूड़ मरने जरी मखलूक है, ये बकवास है। बहरहाल गवर्नमेंट को बंदा प्यार है, क्यों इमें नजायज असर तो मत बनो। नहीं, सारे बच्चे भी ठीक हैं, हर शे माहौल ठीक है, असर तो कौन सुन यो जी कोई गलत गाल अमाम हूँ जो डाम उड़ावे, असर तो कुछ नहीं आ सकते। नबी दे लोग गिले करें दे, अल्लाह दे गिले करें दे, बाकी असर अगर तो कुछ नहीं जान दे। बहरहाल सारे बच्चे, सारा इलाका ठीक है, हर शे ठीक है, सारे निदान पींदे खड़े, कोई हो दुख तो जरूर आखूँ बस।
ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी है। सही है। तो यहाँ पे लोगों का एक नज़रिया बना हुआ है कि ये जो पोलियो के कतरे पिलाने आते हैं ये हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे मसाइल पैदा किए पोलियो टीम के साथ, मतलब जब पोलियो टीम उन्हें कतरे पिलाने गई तो उन लोगों ने आगे जाके नखरे किए कि हम अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे, इसमें जहर है, आप लोग हमारे बच्चों को नुकसान देने हैं। तो ये अंकल यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई मसला मसाइल नहीं है, इस तरह के उनके बच्चे पी रहे हैं और सेहतमंद हैं। आप पीछे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूछेंगे अंकल से मज़ीद इस इलाके के बारे में, जब आप लोग यहाँ से आते हैं, क्योंकि हमें तो आने में बहुत मुश्किल का सामना हुआ क्योंकि रास्ते में कश्ती थी, फिर कश्ती के ऊपर हम लोगों ने बाइक वगैरह लोड किए, फिर वहाँ से उतारे, बहुत मसला हुआ आने में, काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। आप लोग यहाँ पर किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? जी सर, इतना तो ज़िंदगी किमें गुजरें थे भाई, इतना थोड़े रोड कौन ही पक्या कौन ही, मतलब ये बात भुगतें दे पे उधर कत थुदे जेरे ने धूड़ मिट्टी भुगतें दे पे बेड़े दे पांदीन सब शे भी औ की है सो की है। ई सर अपना इलाका जो सा छोड़ देना संग दे ना हुआ कि जट लोग है सारा वाइन ने गुजराना है बेड़े ने गुजराना है। अच्छा ये बात अल्लाह की मेहरबानी है, कोशिश तो करें दे बाद अल्लाह करे कोई पक्की रोड आवे सी, नहीं तो बात भी अल्लाह बात भी अल्लाह गाले है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पे यकीन है। और यहाँ पे ना ही बिजली है, ना ही कोई फ्रिज, ना कोई ठंडे पानी, जून का महीना है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, लेकिन ये लोग फिर भी यहाँ पे एक खुश मिजाजी की और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं दरिया के सेंटर में। ऐसा समझ लें, हम ऐसा कहेंगे कि जंगल में रह रहे हैं ये लोग, कोई भी सहूलियात इनके यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। शुक्रिया, कोई गाल आखना चाहो तो? बड़ी मेहरबान नवाज है, शुक्रिया। पोलियो टीम के बारे नहीं, पोलियो टीम ही ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, असा उन्हें गिला करें दे ना लाने तो सारे बच्चे भी ठीक हैं, सारा इलाका ठीक है, सारे मसले ठीक हैं, सारे को महीने के बंदन पिलावन जो बच्चा रह वेंदे उको वापसी बात दू दी बात त्राई दी बात फिर वाती पिलावन घर घर दे विशो दे आंदे खणन ओ उना दी कोई कमी को नहीं, कमी थोड़ी बहुत थी सी तो कोई मां पियो दी कुताई थी सी जो बच्चे को लुका वंजन जा कार वंजन उना दी कुताई कोई नहीं, ये इलाके दी कुताई हो जी बच्चा अग पीछे गिया वदे वो एक दफा ना बिया दफा चार पांच दफा के राउंड ला 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 थक वेसन पीछे मां पियो मुकर वंजन वो पीछे अंदर त नहीं पराए वार संगदे। हां तो आजकल के दौर में आप लोग ने सुना होगा हर बंदा महंगाई का रोना रोता है कि हम मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग शहरों में रह रहे हैं, हर किस्म की सहूलियात उनके पास मौजूद हैं, फिर भी वो हर वक्त रोते नज़र आते हैं कि महंगाई है, हमारे पास इस चीज़ की कमी, उस चीज़ की कमी है। ये लोग इस तरह के मुश्किल इलाके में रहते हुए भी हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें और बहुत खुश हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुज्तबा है और मैं यहाँ का एरिया इंचार्ज हूँ। मेरी टीम, तीन टीमें जो हैं इस साइड पर काम कर रही हैं दरिया सिंध के, ना तो काफ़ी मुश्किलात है, एक तो शहर से आना, दूसरा कश्ती पे आना, कभी कभार कश्ती वाला नहीं होता उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, तो इस सिलसिले में बहरहाल काम मुश्किल तो है, कर ज़रूर रहे। तुम मेरे कारवां थे, असल दास्तां तुम हो।
नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबुलंद पासबा ठहरे फिर ये अहद करते हैं, तेरे मान की खातिर तेरी आन की खातिर ये लहू बहा देंगे, अपनी चाल उठा देंगे हम जो पासबा ठहरे।